अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंस क्या होती है, क्योंकि जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है वो इस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, वैसे ही फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए मल्टी डिटरमाइंस बी। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ ए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ बी एग्जिस्ट। ए की सिंगल वैल्यू पे बी की मल्टीपल वैल्यूज अगर एग्जिस्ट करती हैं तो ये होती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल से अगर आप देखो, ये वाली एक रिलेशन गिवन है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नंबर है कि वो स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है और कोर्स है। स्टूडेंट जो है वो एक डिपार्टमेंट के, जैसे कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है, वो मल्टीपल कोर्सेज को ले सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट वन है, वो डिपार्टमेंट वन का है, उसने कोर्स वन भी लिया हुआ है और कोर्स टू भी चूज़ किया हुआ है। सिमिलरली स्टूडेंट टू भी डिपार्टमेंट वन का है और उसने भी सी वन और सी टू कोर्स लिया हुआ है। और स्टूडेंट आई डी थ्री जो है वो डिपार्टमेंट टू का है और उसने सी टू कोर्स लिया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें, एक स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, जैसे स्टूडेंट वन डी वन का है, स्टूडेंट टू भी डी वन का, डिपार्टमेंट वन का है, स्टूडेंट थ्री डी टू का है, यहाँ पर आपको एक रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही डिपार्टमेंट नंबर मिलेगा। तो ये तो जो अभी तक हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ रहे थे वो थे, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। तो जैसे स्टूडेंट आई डी वन जो स्टूडेंट है वो सी वन और सी टू दोनों कोर्स ले सकता है, टू भी सी वन और सी टू। तो स्टूडेंट आई डी के करस्पॉन्डिंग टू कोर्सेज हैं, मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। तो इस स्टूडेंट आई डी से हम मल्टीपल कोर्सेज ऑफ स्टूडेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई डी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये किस टाइप की डिपेंडेंसी है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की दिखेंगी, तो हम एक एक करके समझेंगे कि इन सबका मीनिंग क्या है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट्स अ डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स ए बी एंड सी इन ए रिलेशन आर सच दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए there is a set of values of B and a set of values for C. However, the set of values of for B and C are independent of each other. Relation में three attributes हैं, A, B और C, ये तीन attributes हैं। इसमें क्या हो रहा है कि A के corresponding B की multiple values exist करती हैं और A के corresponding ही C की multiple values exist करती हैं, बट बी और सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को, ठीक है। हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स थे जिसमें ए जो है ए के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल बी की वैल्यूज हैं, ए के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल सी की वैल्यूज हैं, लेकिन बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट है, उनका कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। इसलिए हमने लिखा कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए देयर इज ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी एंड ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी, बट बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाएगी, और इस डिपेंडेंसी की वजह से क्या होती है, लॉट ऑफ रिडंडेंसी आ जाती है रिलेशंस में। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी देयर इज ए लॉट ऑफ रिडंडेंसी इन रिलेशन आर। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, एम्प्लॉई नेम है, उसका प्रोजेक्ट नेम है और उसका फोन नंबर है एम्प्लॉई का। एम्प्लॉई नेम के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एक एम्प्लॉई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकता है। तो ई नेम मल्टीपली डिटरमाइन कर सकता है प्रोजेक्ट नेम को, यानी ई नेम के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट नेम एग्जिस्ट करते हैं। देखो जैसे एम्प्लॉई आशीष जो है वो एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहा है और एबीसी प्रोजेक्ट के भी प्रोजेक्ट पर भी वर्क कर रहा है। तो एक एम्प्लॉई नेम के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट नेम्स हो सकते हैं। सिमिलरली एक एम्प्लॉय के मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं, जैसे आशीष का फोन नंबर 4x1 और 4x2 भी है, तो उसके पास दो फोन नंबर्स हैं। तो ई नेम मल्टी डिटरमाइंस फोन नंबर, यानी एक ई नेम के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फोन नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये थ्री एट्रीब्यूट्स हैं हमारे रिलेशन में। ए मल्टी डिटरमाइंस कर रहा है बी को, ए मल्टी डिटरमाइंस कर रहा है सी को, लेकिन बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट है। क्या प्रोजेक्ट नेम से आप फोन नंबर डिटरमाइन कर सकते हो क्या एम्प्लॉय का? नहीं कर सकते हो। या फोन नंबर से प्रोजेक्ट नेम डिटरमाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स टोटली क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। तो ये मल्टी वैल्यूड
डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से देखो रिलेशन में रिडंडेंसी आ गई। आशीष को हमें 4 बार लिखना पड़ा, ठीक है, क्योंकि आशीष एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, और फ़ोन नंबर 4x1 भी लिखना पड़ेगा, और इस प्रोजेक्ट के साथ उसका फ़ोन नंबर 2 वाला भी लिखना पड़ेगा। सिमिलरली आशीष के प्रोजेक्ट नेम ABC के साथ उसका 2 वाला रोल फ़ोन नंबर भी लिखना पड़ेगा, और 1 वाला फ़ोन नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, रिडंडेंसी आ रही है। इस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये एक डेफिनेशन थी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। दूसरी डेफिनेशन आपको किस टाइप की दिखेगी, इन ए रिलेशन स्कीमा आर एन एट्रीब्यूट बी इज सेट टू बी मल्टी डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए इफ एंड ओनली इफ फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाई द वैल्यू ऑफ ए अलोन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ सी वेयर ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ आर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई रिलेशन स्कीमा आर है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी, तो हम कब कहेंगे कि जो बी है वो मल्टी डिपेंडेंट है ए पर। देखो मल्टी डिपेंडेंसी को ऐसे भी रीड करते हैं, अगर आप ए टू बी रीड करना चाहते हो तो ए मल्टी डिटरमाइन बी, ए से आप मल्टीपल बी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, इसीलिए इसे कैसे रीड करते हैं, ए मल्टी डिटरमाइंस बी। और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में रीड करना चाहते हो तो कैसे बोलोगे, बी इज मल्टी डिपेंडेंट ऑन ए। कब कहेंगे कि जो बी है वो मल्टी डिपेंडेंट है ए पे, अगर जो वैल्यू ऑफ बी है वो सिर्फ आप ए की हेल्प से डिटरमाइन कर पा रहे हो और जो बी की वैल्यू है वो सी से इंडिपेंडेंट है। सेम फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन के टाइप ही है ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो जो हमने फर्स्ट देखा था, स्टूडेंट आईडी से आप डिपार्टमेंट नंबर डिटरमाइन कर सकते हो और स्टूडेंट आईडी से आप मल्टीपल कोर्स डिटरमाइन कर सकते हो किसी स्टूडेंट के। जो कोर्स है वो मल्टी डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पे, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट आईडी से ही हम कोर्स को डिटरमाइन कर पा रहे हैं और वो इस डिपार्टमेंट नंबर से टोटली इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है इस रिलेशन में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हेयर टू स्टूडेंट्स ऑफ सेम डिपार्टमेंट टेक दी सेम कोर्स। जैसे स्टूडेंट वन ने भी कोर्स C1 C2 लिया है और देखो स्टूडेंट टू ने भी कोर्स C1 C2 लिया है, तो इस रिपीटेशन की वजह से ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आ रही है। एक एग्जांपल ये भी देख लो, देखिए हमारे पास रिलेशन में गिवन है ISBN ऑथर ID एंड फोन नंबर, तो एक बुक के मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं, ठीक है। सब वो सी की बुक है, सी की बुक को 3 ऑथर से मिलके लिखा हुआ है, ऑथर 1 ऑथर 2 और ऑथर 3 है, क्योंकि ISBN से हम मल्टीपल ऑथर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ISBN और ऑथर आईडी में क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। ISBN 1 की बुक को किसने लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑथर 1 ने लिखा है, और ISBN 2 की बुक को ऑथर 3 और ऑथर 4 ने मिलके लिखा हो। ISBN से हम मल्टीपल वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं ऑथर आईडी की, तो एक ऑथर के मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं, तो ऑथर आईडी से हम मल्टीपल फोन नंबर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑथर 1 के देखो कितने फोन नंबर हैं, 2 फोन नंबर हैं, ऑथर 3 का भी 2 फोन नंबर्स हैं, ऑथर 4 का 1 फोन नंबर है। तो ऑथर आईडी अगर आपको पता है उससे आप मल्टीपल वैल्यूज फोन एट्रीब्यूट के डिटरमाइन कर सकते हो। पर भी क्या है, ISBN और फोन नंबर जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। ISBN से क्या फोन नंबर डिटरमाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या फोन नंबर से ISBN डिटरमाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। देखा होगा मैंने ये रिलेशन बताई, इसमें भी आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बताई, इसमें भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, इसमें भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन में आप देखो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, मिनिमम 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं तो आप मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बता सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो ये यहाँ पर नहीं होता, डिपार्टमेंट नंबर नहीं होता, सिर्फ स्टूडेंट आईडी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कोर्सेज होते तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, ये अलाउड है। अगर एक रोल नंबर जो है I1 वो 2 कोर्सेज को ले रहा है तो हम इसको 2 ही एंट्री हमें करनी पड़ेंगी, तो इसे रिडंडेंसी में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें डिपार्टमेंट नंबर ऐड कर रहे हो, डिपार्टमेंट नंबर और कोर्स आपस में इंडिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है, जिसकी वजह से रिडंडेंसी आ रही है रिलेशन में, रिपीटेशन हो रहा है डेटा का और मेमोरी वेस्ट हो रही है।
मिनिमम थ्री एट्रीब्यूट्स अगर होंगे तभी हम कहेंगे कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, थ्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो भी हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी कि मिनिमम थ्री एट्रीब्यूट्स होंगे तभी आप बताओगे कि रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। अब देखो थर्ड डेफिनेशन आपको क्या दिखेगी, फॉर ए रिलेशन स्कीमा आर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ए मल्टी डिटरमाइंस बी होल्ड्स इफ, देखो यहाँ पर टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये फोर टपल्स हैं, ये थ्री कंडीशंस अगर होल्ड करती हैं रिलेशन में तो हम कहेंगे कि इस रिलेशन स्कीमा में, रिलेशन स्कीमा आर में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर हमारे पास एक रिलेशन स्कीमा आर है और उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इस टाइप की ए मल्टी डिटरमाइंस बी है तो ये कब होल्ड करेगी, जब हमारे पास तीन चार टपल्स होंगे और चार में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, देखो इस रिलेशन को देखो, इसमें फोर टपल्स मैंने बनाए हैं टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, मुझे ये बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है वो दो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और एक एम्प्लॉय के दो फोन नंबर्स हैं, तो इसकी वजह से मुझे चार टपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे रिलेशन में। ये हमारा टी वन टपल है, ये टी टू टपल है, टी थ्री और ये टी फोर टपल है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कब कहेंगे हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है इस रिलेशन में, ई नेम मल्टी डिटरमाइंस प्रोजेक्ट नेम और ई नेम मल्टी डिटरमाइंस फोन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट नेम और फोन नंबर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और क्या कंडीशन होल्ड कर रही है, टी वन में ए एट्रीब्यूट की वैल्यू आशीष है, टी टू के भी ई नेम की वैल्यू आशीष है, टी थ्री के भी ई नेम की वैल्यू आशीष है और टी फोर के भी ई नेम की वैल्यू क्या है, आशीष है। तो देखो हमने यही लिखा है कि अगर इसे हम मान लेते हैं ए एट्रीब्यूट, तो टी वन ए इक्वल्स टू टी टू ए इक्वल्स टू टी थ्री ए इक्वल्स टू टी फोर ए, चारों टपल्स का जो है ए एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यू सेम है, तो सेम है यस। फिर क्या कह रहे हैं, टी थ्री बी इक्वल्स टू टी वन बी एंड टी फोर बी इक्वल्स टू टी टू बी, अगर टी वन और टी थ्री की बी वैल्यू और टी टू और टी फोर की बी वैल्यू मैच कर रही है, देखें ये हमारा बी एट्रीब्यूट है, क्या लेना है हमें टी वन और टी थ्री, तो टी वन की बी वैल्यू यानी कि प्रोजेक्ट नेम और टी थ्री का प्रोजेक्ट नेम मैच कर रहा है यस, और टी टू और टी फोर की वैल्यू टी टू और टी फोर की वैल्यू अगर मैच कर रही है बी एट्रीब्यूट के लिए तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, बी एट्रीब्यूट के लिए ये कंडीशन भी होल्ड हो रही है हमारे रिलेशन में। ए बी सी ए बी सी, टी टू और टी फोर की वैल्यू ए बी सी है और टी वन और टी थ्री की बी वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो ये सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये टी वन और टी थ्री और टी टू और टी फोर की बी वैल्यू मैच करनी चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, टी थ्री टी टू की सी वैल्यू मैच होनी चाहिए और टी फोर टी वन की सी वैल्यू मैच होनी चाहिए, यानी क्रॉस में टी वन टी फोर की सी वैल्यू और टी टू टी थ्री की सी वैल्यू मैच होनी चाहिए। टी वन और टी फोर की देखो वैल्यू मैच कर रही है, टी टू और टी फोर की वैल्यू मैच कर रही है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होल्ड करती है इस रिलेशन स्कीमा आर में। तो ये दोनों मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं हमारी इस रिलेशन में, क्योंकि ये सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, टी वन के ए एट्रीब्यूट की सबकी वैल्यू सेम है, बी एट्रीब्यूट में टी वन और टी थ्री की वैल्यू सेम है, टी टू और टी फोर की वैल्यू सेम है, और सी एट्रीब्यूट में टी वन और टी फोर की वैल्यू सेम है और टी टू और टी थ्री की वैल्यू सेम है, तो इसीलिए इस रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ये सारी डेफिनेशंस हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तब एग्जिस्ट करती है जब रिलेशन में तीन एट्रीब्यूट्स हों मिनिमम और दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हों जो एक दूसरे से क्या हों, इंडिपेंडेंट हों। इस टाइप की मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से आ रही है रिडंडेंसी हमारे रिलेशन में, और इसको रिमूव करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म।